हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं कार फॉर सेल सिमुलेटर डीलरशिप। और आज हम लोग ने सोचा है कि तगड़ी तगड़ी कार खरीदने के लिए, तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। कार मार्केट ओपन है गाइस, तो हम लोग सीधे चलते हैं कार मार्केट और वहाँ पे देखते हैं मेरे को लैम्बोर्गिनी, मैक्लारेन और कितनी तगड़ी तगड़ी कार आने वाली है। तो हम लोग कार मार्केट तो आ चुके हैं गाइस, और यहाँ पे एक बार ही देखो कितना ज़्यादा भीड़ है। और यहाँ पे गाइस मेरे को बहुत ही ज़्यादा तगड़ी तगड़ी कार दिखाई दे रही है। यहाँ पे गाइस मेरे को सुप्रा यहाँ पे दिखाई दे रही है, और यहाँ पे भी गाइस एक बहुत ही ज़्यादा तगड़ी कार है। सबसे पहले हम लोग इससे बात करके देखते हैं गाइस कि ये मेरे को कितना ज़्यादा में मिलेगा। और ये गाइस 2,85,000 का है, तो हम लोग बार्गेनिंग करके 2,20,000 करते हैं। क्या पता मेरे को 2,20,000 में मिल जाए, तो बहुत ही ज़्यादा सही रहेगा गाइस। तो मेरे को 2,20,000 करना है, तो मैं यहाँ पे 2,20,000 का ऑफ़र दे दिया। क्या पता ये मेरे को मिलेगा कि नहीं, और नहीं मिला गाइस तो हम लोग क्या करते हैं, अभी 2,40,000 करते हैं। क्या पता मेरे को 2,40,000 में मिल जाए, तो बहुत ही ज़्यादा सही रहेगा अगर मिल जाएगा तो गाइस। और ये वाला भी कार अब हम लोग ने बाई कर लिया, तो इसको हम लोग सीधे ऑफिस में भेज देते हैं गाइस, और देखते हैं कितना ज़्यादा तगड़ा तगड़ा कार है। अभी तो मेरे को कोई भी तगड़ा कार दिखाई तो नहीं दे रहा है, लेकिन यहाँ पे गाइस सुपरा है। तो हम लोग बातचीत करके देखते हैं कि ये मेरे को कितना का मिलेगा। और ये गाइस 35% डैमेज है, और ये 56,000 का मिल रहा है। तो हम लोग बार्गेनिंग करके गाइस हम लोग 48,000 करते हैं। क्या पता मेरे को 48,000 में मिल जाए, तो बहुत ही ज़्यादा सही रहेगा। हम लोग इसको 1,00,000 में सेल कर सकते हैं। और ये वाला भी कार अब हम लोग ने बाई कर लिया गाइस। अभी देखते हैं कि अभी कौन सी कार हम लोग को तगड़ी तगड़ी मिलेगी। और ये वाला कार गाइस कुछ अच्छा लग रहा है, हम लोग देख लेते हैं कि कितना का मिलेगा। सबसे पहले तो मेरे को बातचीत करना पड़ेगा गाइस। और ये गाइस मेरे को 52% डैमेज के साथ 31,000 का मिल रहा है। तो हम लोग बार्गेनिंग करके 28,000 करते हैं। क्या पता मेरे को 28,000 में मिल जाए, तो बहुत ज़्यादा सही रहेगा। और ये मैंने 28% का ऑफ़र दे दिया, और ये वाला भी कार अब हम लोग का हो चुका है, तो इसको भी हम लोग ऑफिस में भेज देते हैं। और यहाँ पे भी ये कार है गाइस बहुत ही ज़्यादा तगड़ा, तो इससे भी हम लोग बातचीत करके देखते हैं कि ये मेरे को कितना का मिलेगा। और ये मेरे को 25,000 मिल रहा है, तो हम लोग बार्गेनिंग करके 21,000 करते हैं। क्या पता मेरे को 4,000 छूट पे ये वाला भी कार हम लोग को मिल जाए, अगर मिल जाएगा तो बहुत सही रहेगा। और ये वाला भी कार हम लोग ने बाइक कर लिया गाइस। अभी हम लोग के पास एक भी स्लॉट नहीं है कार को ले जाने के लिए, तो हम लोग अपना सुप्रा लेके सीधे चलते हैं ऑफिस के पास। ऑल राइट गाइस, हम लोग ऑफिस के पास आ चुके हैं, और यहाँ पे मैंने जो तीनों कार को टो करवाया था वो भी आ चुका है। और ये वाइट वाला देखो गाइस कितना ज़्यादा तगड़ा लग रहा है। और यहाँ पे गाइस हम लोग का सुपरा, तो हम लोग क्या करते हैं कि करके सारे कार को अपने शोरूम के अंदर रखते हैं। ओके गाइस, हम लोग की सारी कार यहाँ पे लाइन वाइज लग चुकी है। और ये गाइस ब्लैक और वाइट दोनों सेम सेम कार है, लेकिन एक कार मैं कार ऑक्शन से लेके आया था और दूसरी कार गाइस मैं कार मार्केट से लेके आया था। ये दोनों कार काफ़ी ज़्यादा तगड़ी लगती है। और यहाँ पे हम लोग का सुपरा है, और ये दो सस्ती सस्ती कार है गाइस। तो हम लोग सबसे पहले तो सारे कार को सेल पे लगाते हैं। मैं देखने वाला हूँ कि कौन सा कार मैं कितना में लेके आया था, और मैं अच्छे से सारे कार को प्राइस लगा देता। और यहाँ पे गाइस मेरे को पता नहीं क्यों शो नहीं कर रहा था, और अभी भी शो नहीं कर रहा है। तो हम लोग आई थिंक दूसरी बार मेरे को टैब खोलना पड़ेगा, और टैब ओपन करके हम लोग देखते हैं कि कौन सी कार मैं कितना में लेके आया था। और ये गाइस मैं लेके आया था 21,000 का, इसको हम लोग 40,000 लगा देते हैं। क्या पता मेरे को कोई 40,000 दे दे, तो ये वाला भी कार हम लोग सेल कर देंगे। और ये गाइस मैं 28,000 का लेके आया था, ये मैं 60,000 कर देता हूँ। क्या पता मेरे को 60,000 मिल जाए, तो बहुत ज़्यादा सही रहेगा। और ये मैं 48,000 का सुपरा लेके आया हूँ गाइस, तो इसको हम लोग 1,00,000 लगाते हैं। क्या पता मेरे को कोई 1,00,000 दे दे, तो बहुत ही ज़्यादा सही रहेगा। और गाइस मेरे पास लास्ट एक और कार बची है, और ये मैं 2,40,000 का लेके आया हूँ। और मैं एक और कार देखता हूँ गाइस कि वो मैं कितना का लेके आया था, और वो गाइस मैं कार ऑक्शन से लेके आया था। ये मैं 3,28,000 का कार ऑक्शन से लेके आया था। तो हम लोग जो थोड़ा कम प्राइस वाला है उसको हम लोग सेल करने वाले हैं। जो मैं लेके आया था 2,40,000, इसको हम लोग सेल करने वाले हैं गाइस 10,00,000। देखते हैं कोई मेरे को 10,00,000 दे देता है। अगर 10,00,000 मिल जाएगा गाइस, तो बहुत ही ज़्यादा सही रहेगा। हम लोग ने 10,00,000 पे सेल तो
लगा दिया है। अभी गाइस रात होने वाली है, तो एक काम करते गाइस, हम लोग का ऑफिस तो बंद है, तब तक हम लोग सीधे चल घर, और घर जाते जाते रात भी हो जाएगा, तो हम लोग चलते अभी घर गाइस। और कस्टमर बहुत ज्यादा आ जाएंगे, तो कस्टमर को हैंडल करने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि अपने कंटेनर वाले घर में जाने के लिए, क्योंकि उस घर में मेरे को बहुत दिन हो गया सोए हुए और मेरे को याद आ रहा था। तो अभी हम लोग कंटेनर वाले घर के पास आ चुके हैं और थोड़ी देर में रात होने वाली है गाइस, तो मैं थोड़ी देर रुक जाता हूँ और इस घर के रेनोवेट करने के बारे में सोचता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग चलते गाइस और अपग्रेड करते हैं कुछ, देखते हैं कि मेरे को कितना इसमें डॉलर लगेगा। अभी तो मेरे को देखना पड़ेगा। यहाँ पे डेकोरेशन का ऑप्शन आ रहा है गाइस, और ये वाला हम लोग का कंटेनर वाला घर है और हम लोग कुछ डिजाइन कर देते हैं अंदर के साइड में। और ये गाइस देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन ऐसे करने पे भी कुछ ज़्यादा ही अच्छा नहीं लग रहा है। और ये गाइस बहुत ही ज़्यादा सही लग रहा है, कुछ शीशा टाइप लग रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा सही लग रहा है। और बाहर के साइड में गाइस ये देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अभी ये वाला कलर भी बहुत ज़्यादा सही लग रहा है, ये ग्रीन और ये ब्लू अच्छा लग रहा है गाइस, तो हम लोग ये वाला रख देते हैं। अभी बहुत ही ज़्यादा सही लग रहा है और बाहर से बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, अभी रात भी हो चुका है तो हम लोग सो जाते हैं। और यहाँ पे मेरा रिजल्ट देखो गाइस कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है, लेकिन हम लोग ने गाड़ी खरीदा है तो इसी के वजह से ऐसा दिखाई दे रहा है। गुड मॉर्निंग गाइस, हम लोग का घर तो एकदम अच्छे से हो चुका है। हम लोग क्या करते हैं, अपने घर के डोर को बंद करते हैं और बंद करने के बाद हम लोग सीधे चलते हैं ऑफिस। ऑफिस में मेरे को बहुत गाड़ियों को सेल करना है गाइस। ऑल राइट गाइस, हम लोग ऑफिस तो आ चुके और यहाँ पे हम लोग का वर्कर काम कर रहा है गाइस, अभी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे लास्ट एक और डस्ट बचा है जो डस्टबिन में डालने जा रहा है। हम लोग क्या करते हैं, ऑफिस को ओपन करते हैं और कस्टमर का वेट करते हैं कि कौन कस्टमर आता है इन गाड़ियों को ख़रीदने के लिए। मैं कल ही इसको सेल पर लगा दिया था, इस ब्लैक कलर की कार को छोड़ के, और यहाँ पे अभी तक तो कोई कस्टमर आया नहीं है गाइस। और पता नहीं कैसा रोज़ रोज़ बिल पे करने के लिए आ रहा है, जब से हम लोग की कमाई हुई है गाइस तब से हम लोग बिल पे कर रहे हैं, तो आज पता नहीं कितना का आया है। और आज गाइस 31,000 ऑलमोस्ट 32,000 का आया, तो हम लोग पे कर देते हैं। और पे करने के बाद गाइस कस्टमर भी आ चुके हैं, तो हम लोग बातचीत करके देखते हैं कि ये वाला गाड़ी मेरे को कितना का दे रहा है। और ये सुप्रा गाइस में 1,00,000 लगाया हूँ और ये 95,000 दे रहा है गाइस, तो हम लोग बार्गेनिंग करके 96,000 करते हैं। क्या पता मेरे को 96,000 मिल जाए, तो बहुत ही ज़्यादा सही रहेगा और ये वाला भी कार हम लोग का सेल हो जाएगा। और ये वाला कार सेल हो चुका है गाइस और कस्टमर भी आ चुके हैं, तो हम लोग बातचीत करके देखते हैं कि ये वाला कस्टमर ये वाला गाड़ी कितना में ले रहा है। इस गाड़ी को मैं 40,000 लगाया हूँ और ये मेरे को दे रहा है गाइस, आई थिंक ये पूरा एकदम ओके है बाई करने के लिए, तो हम लोग सेल कर देते हैं। और ये वाला भी कार हम लोग का सेल हो चुका है गाइस, और ये सस्ती वाली कार का डिमांड देखो, यहाँ पे एक और कस्टमर आ चुका है गाइस। हम लोग बातचीत करके देखते हैं कि ये मेरे को कितना दे रहा है फरारी का, और मैं 10,00,000 लगाया हूँ और ये मेरे को 4,00,000 दे रहा है। तो हम लोग थोड़ा सा वेट करते हैं और इन वाले कस्टमर से हम लोग बातचीत करके देखते हैं कि ये मेरे को कितना दे रहा है। ये गाइस 52% डैमेज है, मैं बिना रिपेयर करवाए इसको 60,000 लगाया दिया हूँ और ये मेरे को ऑलमोस्ट 40,000 दे रहा है। तो इससे हम लोग बातचीत करके देखते हैं कि ये मेरे को कितना दे रहा है, वो तो 40,000 दे रहा था, इसको 50,000 देगा तो बहुत ज़्यादा सही रहेगा। और ये गाइस 43,000 दे रहा है, काफ़ी ज़्यादा सही है। हम लोग इन आंटी से बात करके देखते हैं कि ये आंटी मेरे को कितना दे रही है, और ये 60,000 गाड़ी का, ये गाइस 42,000 दे रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग आंटी को भगा देते हैं, और भगाने के बाद इस वाले अंकल से हम लोग बातचीत करके देखते हैं कि ये मेरे को कितना दे रहे हैं, और ये गाइस 42 दे रहे हैं, तो हम लोग इनको भी भगा देते हैं। और इस वाले अंकल से हम लोग बातचीत करके थोड़ा सा बार्गेनिंग करते हैं, क्या पता थोड़ा बार्गेनिंग करने के बाद हम लोग का ये वाला भी कार सेल हो जाए। और बार्गेनिंग करने के लिए 43,000 दे रहे, तो हम लोग क्या करते हैं 50,000 करते हैं, क्या पता मेरे को ये वाला भी कार 50,000 में बिक जाए तो बहुत ही ज़्यादा सही रहेगा। हम लोग ने ऑफर तो दे दिया गाइस, और ये वाला कार 50,000 में सेल हो चुका है। अभी लास्ट एक कार बचा और ये की कस्टमर आया गाइस, हम लोग थोड़ा सा वेट कर लेते हैं एक और कस्टमर का और देखते हैं कि वो वाले कस्टमर मेरे को कितना दे रहे हैं, या फिर हम लोग बार्गेनिंग करके देंगे गाइस। हम लोग बार्गेनिंग करके 6,00,000 करते हैं, देखते हैं अगर ये 6,00,000 में बिक जाएगी गाड़ी तो ये वाला भी बहुत ज़्यादा सही रहेगा। तब तक हम लोग बार्गेनिंग करेंगे, तब तक दूसरा कस्टमर आ जाएगा, अगर बिक जाएगा तब भी बहुत ज़्यादा सही रहेगा। मैंने 6,00,000 का तो ऑफर दे दिया गाइस, क्या पता ये अंकल लेंगे या फिर नहीं लेंगे, और ये 6,00,000 तो नहीं ले रहे गाइस। हम लोग 5,20,000 करते हैं, क्या पता मेरे को 5,20,000 भी मिल जाए तो बहुत ज़्यादा सही रहेगा इस गाड़ी के लिए। और ये वाला गाड़ी गाइस ये अंकल ले नहीं रहे हैं,
आई थिंक इनको बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो कोई बात नहीं गाइस, हम लोग दूसरा कस्टमर वेट करते हैं, कोई दूसरा कस्टमर आएगा तो ये वाला गाड़ी हम लोग सेल कर देंगे। ऑल राइट गाइस, यहाँ पे एक मैडम आ चुकी है, हम लोग बातचीत करके देखेंगे कि ये वाला कार को ये कितना में देने वाली है। तो सबसे पहले इनको वहाँ पर जाकर रुकना पड़ेगा और हम लोग बातचीत करके देखते हैं गाइस। ये 0% डैमेज है जो कि बहुत ही ज़्यादा सही बात है, और ये मेरे को 4,20,000 दे रही है। तो हम लोग बारगेनिंग करके 5,00,000 करते हैं गाइस, देखते हैं अगर ये 5,00,000 मिल जाएगा तब भी बहुत ज़्यादा सही रहेगा। मैंने 5,00,000 का ऑफर तो दे दिया गाइस, क्या पता ये मैडम लेंगी या फिर नहीं लेंगी। ये 5,00,000 में भी नहीं ले रही है, तो हम लोग 4,50,000 करते हैं, क्या पता 4,50,000 में बिक जाए तो बहुत ज़्यादा सही रहेगा। अभी मैंने 4,50,000 का ऑफर दे दिया, अगर नहीं बिकेगा तो हम लोग सेल नहीं करते। लेकिन ये वाला भी गाड़ी सेल हो चुकी है गाइस, अभी मेरे पास डॉलर देखो कितना ज़्यादा हो चुका है। तो ये वाला वीडियो हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं, वीडियो कैसा है कमेंट में बता दो, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय गाइस।